हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ आरती। कैसे हो आप सब? सो आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी आप अपना खुद से मैनीक्योर कैसे कर सकते हो, वो भी घर पर एंड बिना पैसे खर्च किए हुए। और जितने भी मैंने इस वीडियो में इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो आपके घर के किचन में मिल जाएंगे, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मिनटों में होने वाला मैनीक्योर है और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अच्छा लगे तो अपने फैमिली मेम्बर और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। सो गाइज, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। ज़्यादा बातें ना करते हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। और आप मेरे हाथ देख सकते हो कितने डल लग रहे हैं इस टाइम पे। और गाइज, मेक श्योर अगर आपने नेल पेंट अप्लाई कर रखी है तो मैनीक्योर करने से पहले आप अपने नेल से नेल पेंट अब रिमूव कर लीजिए। और मैंने नेल पेंट अप्लाई नहीं कर रखी। और हमें मैनीक्योर के लिए सबसे पहले करना है एक वार्म वाटर लेना है, और आप किसी बाउल टब में ले सकते हो। मैंने यहाँ पर बाउल में लिया है। उसमें हम ऐड करेंगे बेबी शैम्पू। आप चाहे नॉर्मल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं या फिर आप बॉडी शावर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैं ऐड करूँगी सॉल्ट 1 टीस्पून, और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 लेमन, और इसे मैं पूरे को ही इसमें स्क्यूज़ कर लूँगी और इनके छिलके मैं पानी में ही डाल दूँगी। और इसे अब हम हाथ से झाग झाग से बना लेंगे। एंड इसे अब हम अपने हाथों को 15 से 20 मिनट के लिए डिप करेंगे, जिससे हमारे हाथ सॉफ्ट हो जाएंगे और जो क्यूटिकल्स है वो भी सॉफ्ट हो जाएंगी, उसे हम अच्छे से रिमूव कर पाएंगे। यू कैन सी, अब ये जो नींबू के छिलके हैं उसे मैं अपने हैंड पे रब कर लूँगी। साथ ही साथ मैं अपने नेल्स को भी इसे अच्छे से रब कर लूँगी, बिकॉज नेल्स अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। और नींबू हमारे एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट्स है जो कि हमारे जहाँ पर भी ब्लैक स्किन होती है उसको अच्छे से रिमूव करता है, और ये एक एंटी एजिंग का भी काम करता है। यू कैन सी, मैं दोनों हाथों पर रब कर लूँगी और सेम पानी में से अपने हाथों को क्लीन कर लूँगी और टॉवल की हेल्प से अपने हाथों को ड्राई कर लूँगी। सो आप देख सकते हो कि पहले के अकॉर्डिंग मेरे हाथ कितने क्लीन दिख रहे हैं। देन मैं यहाँ पर एक फाइलर लूँगी। फाइलर की हेल्प से मैं अपने नेल्स को क्लीन कर लूँगी, बिकॉज नेल्स में जितनी भी गंदगी होगी वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी। अगर आपके नेल्स बड़े हैं आप नेल कटर का भी अप्लाई कर सकते हो। मेरे यहाँ पर नेल्स ठीक हैं तो मैंने यहाँ पर नेल कटर का यूज़ नहीं किया है। और यहाँ क्यूटिकल्स के टूल की हेल्प से मैं अपने जो क्यूटिकल्स हैं एक्स्ट्रा उसको अच्छे से रिमूव कर लूँगी। यू कैन सी, सेम ऐसे ही मैं अपने दूसरे हाथ के भी क्यूटिकल्स को रिमूव कर लूँगी। यू कैन सी, सो यहाँ मैं अपने नेल्स को फाइल कर लूँगी अच्छे से। एंड मैंने यहाँ पर अब स्क्रबिंग के लिए DIY स्क्रबिंग बनाया है, जो कि मैंने यहाँ पर लिए बेसन, और यहाँ पर मैं लूँगी शुगर, और साथ ही साथ मैं टोमेटो लूँगी। टोमेटो की मैं प्योरी ऐड करूँगी। आप चाहे तो टोमेटो को ब्लेंड कर सकते हो, मिक्सी में पीस सकते हो, बट मैंने यहाँ पर प्योरी ली है। मैंने यहाँ पर ब्लेंड नहीं किया टोमेटो को, और इस टोमेटो की प्योरी को इन दोनों मिक्सर में ऐड कर लूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ईजली मिक्स हो जाएगा, आप देख सकते हो। सो इसे मैं अपने हैंड पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी सर्कुलर मोशन में। यू कैन सी, ऐसे सर्कुलर मोशन में करना है 15 से 20 मिनट के लिए। सो गाइस, बेसन जो होता है वो हमारे स्किन को वाइटन अप करने में हेल्प करता है। शुगर हमारी जो एज अ स्क्रबिंग का काम करती है। टमाटो जितने भी हमारे डेड स्किन होती है और ये एक्ने का बहुत ही अच्छा सा काम करता है। और इस स्क्रब को मैं अच्छे से अपने दोनों हाथों पे मसाज करूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। आप देख सकते हो मैं किस तरह से मसाज करूँ नकल्स एरिया पे, जो हमारे डार्क एरियाज होते हैं, इसको अच्छे से रब करूँगी। सो 15 से 20 मिनट के बाद मैं नॉर्मल पानी से वॉश कर लूँगी। आप देख सकते हो और किस तरह से मतलब मेरे हाथों को क्लीन कर दिया। और ये तीनों चीज़ें हर किसी घर में इजली मिल जाएंगी। सो गाइज, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसे हफ्ते में ज़रूर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और आप देख सकते हो कितने काफ़ी हद तक मेरे हाथ क्लीन हो चुके हैं। यू कैन सी, एंड इसको अप्लाई करने के बाद हमारे हाथ सॉफ्ट भी हो जाते हैं। और यहाँ पर स्क्रबिंग करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी एक मॉइस्चराइज़र। यहाँ पर मैंने गुड वाइब्स का लिया है। आप चाहे तो कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल या फिर आलमंड ऑयल, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। सो ऑयल या मॉइस्चराइज़र यूज़ करने से हमारे जो भी ब्लड सर्कुलर मोशन होता है वो अच्छे से होता है।
जो वर्किंग हैं या फिर हाउस वाइफ है जिनको टाइम नहीं मिल पाता बाहर जाने का, या फिर जो कॉलेज हॉस्टल में हैं जो बाहर नहीं जा पाती हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छे वाला, बहुत ही यूज़फुल वाला मैनी केयर है। मैनी केयर को हमें 15 दिन में एक बार ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारे हाथ सॉफ्ट एंड शाइनी रहते हैं और जितनी भी डेड स्किन होती है वो अच्छे से रिमूव हो जाती है। नाउ अब हम यहाँ पर अपने नेल पेंट अप्लाई कर लेंगे। आप चाहे तो न्यूट कलर या फिर डार्क कलर ले सकते हो, मैंने यहाँ पर न्यूट कलर लिया है। आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये कैसा लगा। और गाइस आप देख सकते हो को ये आपके सामने ही है कितना अच्छे से शाइन आ रहा है मेरे हाथों में। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए और इंस्टाग्राम पे मेरे साथ अपनी पिक्स शेयर कीजिए। एंड अगर आप लोगों को गाइस अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को कैसा लगा, और अपनी फैमिली मेम्बर और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी ज़रूर शेयर करना। आई होप उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल रहे। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल एंड बाय बाय।